पहले तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखना अभी शुरू करेंगे, खास करके जितने भी इंजीनियर्स हैं और जितने भी इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम के साथ जुड़े हुए हैं या फिर बाकी स्ट्रीम्स के साथ भी हैं, अगर उनको लगेगा कि इंजीनियर्स के साथ ये भेदभाव हो रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि इससे पहले भी जो मैं एक बार वीडियो कर चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसको काफ़ी प्यार मिला और लोगों ने काफ़ी सराहा उस वीडियो को, जेके मीडिया की इस पहल को भी सराहा। मेरे साथ आज एक बार फिर से बात करने के लिए मौजूद हैं सचिन टिक्कू जी, जो कि एक वर्किंग इंजीनियर है PDD विभाग में। आज हम उनसे बात करते हैं, लेकिन मैं बात की शुरुआत कुछ आज अलग तरीके से करने जा रहा हूँ। सचिन जी, कल आपने मेरे से बात की थी कि कल हम इंटरव्यू करेंगे, कल जब आपने मेरे से बात की थी तो कल आप किन लाइंस पे इंटरव्यू करना चाहते थे? मैं आशीष जी आपकी कवरेज को बधाई देना चाहता था कि उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि हमें कई क्वार्टर से फ़ोन आए कि आप अपना प्रोटेस्ट जो है विड्रॉ कर लीजिए और आपकी रिकमेंडेशंस ऑलरेडी थ्रू हो गई हैं, तो वी आर वेरी कन्विंस्ड। और जब दोपहर को मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी कि सर वी आर थैंकफुल टू यू, तो वी वांट टू थैंक यू पर्सनली, तो इन द मीनवाइल हमें 4 बजे एक नया सर्कुलर मिल जाता है थ्रू सोशल मीडिया कि वो जो खुशी थी वो वापस ले ली गई है विद इन 24 आवर्स। तो वो ऐसा ऑर्डर था कि जो हमारे पैरों से मतलब ज़मीन तक खिसक गई हमारी, क्योंकि एक कमिटी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, स्टैंडिंग कमिटी जो गवर्नमेंट बनाती है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल कमिटी, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन डिपार्टमेंट, देयर आर 20-odd मेंबर्स इन इट, ऑल ऑफ द रैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, फ्रॉम ऑल द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ J&K स्टेट। ऐसी कमिटी को एक मैंडेट होता है इक्विवेलेंस को डिराइव करने का, ठीक है? कोई भी डिपार्टमेंट अपनी लेवल पे इक्विवेलेंस नहीं दे सकता। इक्विवेलेंस का जो मैंडेट है वो स्टैंडिंग कमिटी GAD को ही मिला हुआ है। उस स्टैंडिंग कमिटी के पास हमारा मैटर थ्रू एडवाइज़र पहुंचा था और अमंग ऑल रिकमेंडेशंस हमारी यही इलेक्ट्रिक की रिकमेंडेशन में है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसी ब्रांचेस को भी एलिजिबल डिक्लेयर किया गया था। और एक माइलस्टोन था ये, क्योंकि इस रिकमेंडेशन की वजह से 2013 से जो बच्चे जिनका रिजल्ट विदहेल्ड है और जो नई नोटिफिकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, वो सबका भविष्य सुधर जाता और एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होता। जो कंट्रोवर्सी आज कोर्ट्स में है वो बस इस रिकमेंडेशन का इंतज़ार कर रही थी कि क्या कहती है इक्विवेलेंस कमेटी। और मुझे दिन में ये बहुत कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी आ रहे थे कि गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड स्टेप एंड वी अप्रिशिएट द गवर्नर्स रोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो ऑर्डर होगा, बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ। पहले चाहूंगा कि आप दर्शकों को वो ऑर्डर दिखाएं जिसपे हायर एजुकेशन ने जो ऑर्डर पहले किया। प्लीज जूम करके ये बताना चाहता हूँ, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर है जी, जो इक्विवेलेंस को लेके आया था और उसमें स्पेसिफिकली AE इलेक्ट्रिक एमंग अदर 15 ब्रांचेस, 15 ऐसे स्ट्रीम्स थे जिनके जैसे कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मास कॉम, साइकोलॉजी, AE इलेक्ट्रिक के लिए स्पेसिफिकली कहा गया था कि बैचलर्स डिग्री इन रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंजीनियरिंग। ऐसी रिकमेंडेशन के बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी जो खत्म हुई थी कोर्ट्स में, सारे मैटर सुलझ जाते, जो पोस्ट विदहेल्ड है वो भी सिलेक्ट हो जाते, जो बच्चे आज की डेट में सड़कों पे थे वो भी सेटल हो जाते। लेकिन ये हमें पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए आशीष जी, और ये नया सर्कुलर इशू किया जाता है आज डेली एक्सेल या किसी भी न्यूज़पेपर को उठाइए, उसमें ये आ रहा है कि हमारे इक्विवेलेंस को सही ठहराया गया है। लेकिन उनको शायद कल की डेट में ये पता चलेगा कि एक और ऑर्डर उसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जो कि मैं नहीं मानता किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के इंटरफेरेंस के बिना होता, और टॉप फंक्शनरी ब्यूरोक्रेट स्पेसिफिकली जिनको कि इसमें डेलिब्रेटली कोई बेनिफिट्स हैं, या तो उनके किथ एंड किन इन्वॉल्व हैं, या तो कोई ना कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि जो स्टैंडिंग कमिटी के ऑर्डर को एक वन लाइन कम्युनिकेशन से विदहेल्ड करे। अब फिर उसके बाद उसकी जो ऑर्डर की लैंग्वेज है, ये भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर है। Subject is equivalence of subject. I am directed to refer to your department's letter of even number dated 28/5 regarding the subject cited above and to say that recommendations in respect of assistant engineer electric is indicated and is being withheld for time being and shall be communicated separately.
15 रिकमेंडेशंस में से सिर्फ एक रिकमेंडेशन को बाय ऑर्डर ऑफ वन पर्सन इट हैज बीन रिमूव्ड। इस और इस लेटर पे किसी के इनिशियल भी नहीं है। ये एक ऐसा लेटर है जो एक सिंगल पर्सन ने साइन किया है, इस कमिटी ने जिसने ये इशू किया था पहले रिकमेंडेशन। उसमें 20 ऑड मेंबर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के सिग्नेटरीज होते हैं। वो कमिटी एक प्रॉपर फाइलिंग करती है, उसके पास रिकॉर्ड्स होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल जो भी J&K की हैं उनका रिकॉर्ड नोट्स होते हैं उसमें। उन नोट्स को दरकिनार करते हुए हाउ कुड इट बी कैप्ट विदहेल्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी। मतलब इट इज टेक्निकली फ्लॉड, दिस पीस ऑफ पेपर हैज नो मीनिंग, बिकॉज जो रिकमेंडेशंस होती हैं जो स्टैंडिंग कमिटी की, दे कैनॉट बी कैप्ट विदहेल्ड जस्ट बाई वन लाइनर। क्या उन्होंने कोडल फॉर्मेलिटीज 24 आवर्स में सारी पूरी कर ली? हैज देयर बीन एनी मीटिंग कॉल्ड ऑन दिस इशू कि हम ये रिकमेंडेशंस विदहेल्ड कर रहे हैं? और अगर ऐसा जवाब नहीं है उनके पास तो उनको ये बात को फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको रिकमेंडेशंस को फिर से अपना जो भी कम्युनिकेशन करना है उनको वैलिड करके फिर से अप्रूव किया जाए। सचिन जी, ये जो पूरी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने पिछली बार जब आपका पहला डिबेट किया था जिसके बाद काफ़ी फैक्ट भी पड़ा, काफ़ी डिपार्टमेंट्स भी हिले, लेकिन उस दिन मैंने ये बात नहीं की, लेकिन मैं आज ये बात ज़रूर करना चाहूँगा। क्या सचिन जी आपको नहीं लगता कि हमारी जो सिविल सेक्रेटरीट है उसके अंदर कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स बैठे हुए हैं जो जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर जो है बच्चे बाहर आते रहें, बच्चे प्रदर्शन करते रहें और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं क्योस मचा रहे? सर, जो मैटर 2013 से कोर्ट्स में हो, जो मैटर 2013 से रोड्स पे हो, जिसको आप इतना कवर कर रहे हैं, पिछले एक महीने से पूरा मीडिया में बना हुआ है, न्यूज़पेपर्स में बना हुआ है, हाउ कैन दे बी सो कम्प्लेसेंट कि उसी एक इक्विवेलेंस को इन्होंने विदहेल्ड कर दिया? इफ़ दे थिंक अदरवाइज दे शुड हैव गिवन द क्लियर ऑर्डर। और अगर इतनी बड़ी कमिटी को इतने महीनों से समझ नहीं आई और एक अचानक इनको इशू करने के बाद समझ आ गई कि इसको विदहोल्ड करना है, मतलब आप बेसिक अगर एक लेमैन को भी पूछेंगे, स्टैंडिंग कमिटी एक पूरी डेलिब्रेशन होती हैं, उनके रिकॉर्ड नोट्स होते हैं, उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं, उनको कैसे दरकिनार किया गया बाय वन पर्सन? इवन अ सेक्रेटरी कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज नो मैंडेट टू डू इट ऑन इट्स ओन। आई एम सेइंग इट विद फुल कन्विक्शन, इवन इफ इट वी हैव द मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस विल बी टेकन टू द कोर्ट ऑफ लॉ कि उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन विद इन 24 आवर्स किन बुनियाद पर इनको वापस लिया, बिकॉज देन इट हैज़ नो मैंडेट। इट मीन्स वो कल भी कुछ इशू कर सकते हैं, परसों कुछ इशू कर सकते हैं। मतलब हमारी स्टेट में क्या ये कागज़ का पन्ना है सिविल सेक्रेटरीट का कोई भी रिकमेंडेशन? इसमें तो कोई भी मतलब जस्टिस नाम की तो दूर की बात है, ये तो टोटल हमारे साथ जो है ज्यादती हो रही है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक फ्रेशर जो कॉलेज में पढ़ रहा है क्या वो लड़ेगा इस चीज़ के लिए? क्या उसको समझ है इतनी कि ये स्टैंडिंग कमेटी की क्या रिकमेंडेशन क्या मायने रखती थी? उन्होंने जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, जिन्होंने कॉलेजेस में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम से, उनके साथ आप खेल रहे हैं? आप एक मजाक नहीं कर रहे हैं? मैं तो वर्किंग इंजीनियर हूँ, ऐसे मेरे सारे कई सारे वर्किंग इंजीनियर्स हैं जो PDD में काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, ये बात ये एक बेसिक लेवल की जस्टिस सिस्टम की है जो सिविल सेक्रेटरीट में इस टाइम पर कुचल दी जा रही है। बिल्कुल सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये जो ऑर्डर्स आपके सामने सचिन जी ने दिखाए, एक ऑर्डर था जिससे कि सभी वर्किंग इंजीनियर्स हों या फिर बाकी इंजीनियर्स हों जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टीम के साथ जुड़े हुए हैं उनके चेहरों पर खुशी ले आया था, लेकिन कुछ देर बाद ही सिविल सेक्रेटरीट के अंदर शायद कुछ हो ऐसे लोग हैं जो उस खुशी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो कुछ देर के बाद एक और ऑर्डर निकाला जाता है जिसके अंदर स्पेसिफिकली एक स्ट्रीम को बाहर कर दिया जाता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम। आखिरकार क्यों? क्या जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम्स में इंजीनियरिंग पढ़ाई कर चुके हैं क्या उनकी पढ़ाई करना वेस्ट है? क्या उनका पढ़ाई करना किसी मायने नहीं रखता कि बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं? गवर्नर साहब को देखना पड़ेगा कि आखिरकार सिविल सेक्रेटरीट के अंदर कौन सी ऐसी ब्लैक शीप्स हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, क्योंकि आप पिछले कुछ देर के ऑर्डर्स देखें तो वो ऑर्डर जानबूझ के क्रिएट किए गए, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ऑर्डर, जैसे कि अडॉक कॉन्ट्रैक्चुअल डेली नीड बेस और जो भी जितने भी वर्कर्स हैं, जो 60,000 के करीब वर्कर्स हैं जिनके लिए एक सर्कुलर निकाला गया जिससे कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्योस मचे, या फिर उससे पहले एक ऐसा ऑर्डर निकाला गया जो शॉर्ट हैंड या टाइपिंग करते हैं जो स्किल टेस्ट दे के पास करने का ऑर्डर था जो अलग अलग नौकरियों का, उसका सीधे उन्होंने चेंज कर दिया कि रिटर्न देना पड़ेगा।
इन सब चीज़ों के ऊपर गवर्नर साहब को ज़रूर गौर फरमाना पड़ेगा। गवर्नर साहब या उनके एडवाइज़र्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कृपया करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियर्स के साथ इस तरह का भेदभाव ना करें। जितने भी इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर वर्किंग इंजीनियर्स हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपनी राय भी लिखें, क्योंकि आप लोग बड़े एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, कई सारे ऐसे इंजीनियर्स, कई इंजीनियर्स रिटायर भी हो चुके होंगे, वो भी अपनी राय लिख सकते हैं ताकि आपकी जो राय है सरकार तक पहुंचे। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली कैमरामैन, अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।